हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम भिंडी की सब्जी बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और खाने में तो बहुत टेस्टी लगती है। तो वीडियो स्किप मत करना, एंड तक देखते रहिए। सब्जी की सारी तैयारी हो चुकी है, तो सबसे पहले मैंने 1.5 किलो भिंडी जो है ना अच्छे से वॉश कर ली है। उसके बाद सूखे कपड़े से उसको अच्छे से ड्राई कर दिया है और बाद में कट कर लिया है। लहसुन भी ऐसे कूट के लिया है 1 चम्मच। 2 से 3 हरी मिर्च, आपको तीखा कितना चाहिए उस हिसाब से हमें हरी मिर्च की क्वांटिटी रखनी है, लेकिन थोड़ी सी तीखी वाली ये भिंडी खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो सबसे पहले यहाँ पे पैन गरम कर लिया, 1 चम्मच ऑयल भी गरम हो चुका है, तो इसमें 1/4 टीस्पून जीरा और डालेंगे। उसके बाद जो लहसुन हमने लिया था बारीक चॉप करके डाल सकते हैं या तो फिर कूट के डाल सकते हैं, वो डालना है। साथ ही में डालेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे लहसुन का कलर चेंज होने तक हमें इसे अच्छे से ऑयल में भून लेना है। यहाँ पे कलर चेंज होने तक हमें इसे अच्छे से भून लेते हैं, तो सब्ज़ी में टेस्ट जो है ना लहसुन और हरी मिर्च का बहुत ही अच्छा आ जाता है। लहसुन और हरी मिर्च का कलर जो है ना चेंज हो चुका है, तो अभी हम जो कट करके भिंडी रखी थी वो इसमें ऐड कर देते हैं। स्वाद अनुसार नमक भी डाल लेते हैं और साथ ही में सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये भिंडी जो है ना बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं होती है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चिपचिपे ना होने के लिए कुछ भी डालना नहीं पड़ता है, खाली इतना ही सामग्री हमें डालना है। तो यहाँ पे क्या करना है, या जो ऑयल डालते हैं उसमें इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लेते हैं, तो भिंडी बिल्कुल चिपचिपी नहीं होती, उसका कलर जो है ना हरा ही रहता है और दिखने में भी और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और पैन को करेंगे कवर। 2 से 3 मिनट तक हमने इसे कवर करके भिंडी को अच्छे से पका लिया है। हम ऑयल में अच्छे से भून लेते हैं ना, तो भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कलर भी इसका कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 से 3 मिनट के बाद मैंने ढक्कन निकाल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है फिर से। और भिंडी में पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, एक बार हमने इसे कवर करके पका लिया था, उसमें थोड़ा सा भी चिपचिपापन रहता है वो। अभी उसके लिए क्या करेंगे, अभी बिना कवर के इसे 2 से 3 मिनट और पकाना है, ताकि पूरी पकने तक इसका चिपचिपापन जो है ना बिल्कुल भी नहीं रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद भिंडी जो है ना हमारी पूरी तरह से खाने के लिए तैयार है और इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं लग रहा है, देख सकते हैं आप बहुत ही। अगर आपको पीनट पाउडर पसंद है तो दरदरा सा पीनट पाउडर आप 1/2 चम्मच या 1 चम्मच इसमें डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, नहीं डाला तो भी चलेगा। तो गर्मा गर्म भिंडी हमारी खाने के लिए तैयार है। कलर भी आप देख सकते हैं कितना अच्छा हरा की हरा कलर रह गया है, बिल्कुल चिपचिपी नहीं बनी है। तो कम से कम सामग्री में इसे घर पर बनाकर देख लीजिए, तो बिना चिपचिपी ये भिंडी जो है ना बच्चे भी बड़े प्यार से खाएंगे। आप टिफिन में भी दे सकते हैं, रोटी चपाती के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है। एक बार घर पे ज़रूर बनाकर देख लीजिए। रेसिपी पसंद आती है तो रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे ही सिंपल एंड ईजी रेसिपीज़ के लिए स्वाद के साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, उससे आपको आने वाली सभी नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हैप्पी रहो, हेल्दी रहो, टेक केयर, बाय बाय।